बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त IIT चंडीगढ़ रोड की बैक साइड पे, और ये सामने है यूनि सेंटर, आपको नज़र आ रहा है। दोपहर का टाइम है, कंप्यूटर रिलेटेड तमाम आइटम्स यहाँ पे दस्तयाब हैं। शहर की एक बहुत बड़ी मार्केट है ये, और इसके सामने है ये चल्लू कबाब हाउस, और ये है सामने टेक्नो सिटी। ये रास्ता न्यू चार्ली की तरफ जाता है, फिर आगे ओल्ड सिटी एरिया की तरफ, और ये रास्ता जाता है IIT चंडीगढ़ रोड की तरफ। और ये सामने नज़र आ रहा है आपको MCB टावर, पुराने ज़माने की, अंग्रेज़ों के ज़माने की दीवारें आप देख रहे हैं। तो हमने कहा क्यों ना यहाँ का आज आपको लाइव मोटो व्लॉग आप इसको दिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ और जानिए कराची को दोपहर के वक्त क्या हो रहा है कारोबारी इलाकों में। ये कराची का सबसे बड़ा बिजनेस हब या अनवा काम के तमाम बिजनेस होते हैं। सामने मंजूर काकर होटल भी है, और चूँकि पुराना इलाका है तो कंजस्टेड भी काफ़ी होता है, इसलिए ट्रैफिक भी जगह जगह ब्लॉक होती है। तो बस देखते रहें, जानते रहें कराची को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। उठाने के काम पे मामूर, ये मुख्तलिफ अखबारात के लोगोज बने हुए, मास्टर लगे हुए, स्पेशल न्यूज़ रिपोर्टर, फुलवारी, और ये सब मोटरसाइकिलें वगैरह पार्क हुई हुई हैं। बहरहाल कुछ ही देर में इंशाल्लाह रास्ता बन जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। कराची वो शहर है जहाँ पे दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से पुराने बिल्डिंगें मौजूद हैं, तो वो सब नज़ारे भी आप हमारी इस वीडियो में देखेंगे। और ये सड़कों की हालत, खूबसूरत बालकनीज होती थी पहले ज़माने में, और हर घर में होती थी। ये फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, सुरंगी भी अच्छी खूबसूरत बनी हुई है। ये है हक्कानी चौक बेसिकली, और ये रास्ता जा रहा है पाकिस्तान चौक, यहाँ बनाई गई, और ये भी जगह पुरानी इमारतों से भरी हुई है। पुरानी बिल्डिंगें देखी हैं, टेक्सचर देखें, तो यहाँ ये सवार तौर पे यहाँ पर बन हाउस, और इसके बराबर में खुल गया इसहाक, जो कि 45 रुपए में बन कबाब दे रहा है।
बाटा की फैक्ट्री आउटलेट, और ये आ गया पाकिस्तान चौक। यहाँ से जाएंगे तो आप लाइट हाउस की तरफ चले जाएंगे। किसी ज़माने में ये अमेरिकन कॉन्सुलेट की बिल्डिंग हुआ करती थी, और ये है ट्रैफिक पुलिस चौक। खूबसूरत इमारतें होती थी पहले ज़माने में, फ्रेश होते हैं। कागज़ की हो या नफ़्स की, सब यहाँ पे दस्तियाब है। बंस रोड की तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ पर आएगा रास्ते में मशहूर दाल चावल, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और ये है नए ज़माने की इमारतें, इंतहाई बदनुमा और अगली लग रही हैं, मेंटेनेंस जो नहीं है। और ये रहा गौसिया का दाल चावल, ऐसा लगता है फ्री में मिल रहा है। और सामने आ गई ये बंस रोड की पुरानी इमारतें, और सामने है फ्रेस्को चौक। ये बंस रोड, दोपहर का बंस रोड। और हमारा रुख है जामे क्लॉथ मार्केट की तरफ। जैसे कि मैंने पहले बताया, सैकड़ों नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों दुकान यहाँ पर पुराने ज़माने की बिल्डिंगें हैं। ये है जामे क्लॉथ मार्केट। और ये एक पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नई बनाई जा रही है। पर यहाँ पे सईद गनी वगैरह की दुकानें, इतर की दुकानें हैं। और ये आ गया है दिल पसंद, मशहूर ज़माना दिल पसंद, मुकम्मल तौर पे फुटपाथ पे सेटअप है भाई इसका। एमेजिना रोड पे हम जा रहे हैं इस वक्त, और यहाँ आ गई है अब औरंगज़ेब मार्केट। सीधा जाएंगे तो तिब्बत सेंटर जाएंगे, और वो है रेडियो पाकिस्तान की इमारत। ये है मोटरसाइकिलों के पार्ट्स की मार्केट, कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट।
मोटरसाइकिल का तमाम सामान यहाँ पे दस्तियाब है होलसेल रेट पर। व्यूअर्स ये थी एक छोटी सी अपडेट, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे